आप एक मोबाइल बॉक्स से बना सकते हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड। उसके लिए आपको चाहिए एक मोबाइल बॉक्स, मोबाइल बॉक्स जो आप फेंक देते हैं, एक स्विच, एक सॉकेट, उसके साथ ही स्क्रू और एक ये दो वायर, एक पेचकस, एक कैंची वायर छेड़ने के लिए। सबसे पहले तो हम सॉकेट की और सॉकेट और स्विच के नाप से इस बोर्ड में मार्किंग कर लेते हैं, जिससे कि हमें काटने में सुविधा हो। तो देख सकते हैं इसमें हम मार्किंग कर दिए हैं। अब इसको चलिए कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए हमको चाहिए नॉर्मल एक नाइफ, जिससे कि हम कटिंग कर सकें आसानी से। कुछ इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे इसको। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इस डब्बे में कटिंग कर लिए है। ये आसानी से आप देख सकते हैं, इसमें आसानी से दोनों फिट हो जाते हैं। तो हम अब इसमें स्क्रू लगाने के लिए मार्किंग कर लेते हैं इसमें होल बनाने के लिए। अब इसे भी होल बना लेते हैं ताकि हम स्क्रू आसानी से लगा सकें। सो गाइस, देख सकते हैं आप, हम इस बॉक्स में सॉकेट एंड स्विच को दोनों को फिक्स कर दिए हैं स्क्रू की हेल्प से। देख सकते हैं आप, हमने इसको टाइट भी कर दिया है, यह बिल्कुल हिल नहीं रहा। अब इसको इसमें हम करते हैं कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए हमें दो वायर चाहिए, एक लाइव फेज वायर के लिए येलो या रेड आप यूज़ कर सकते हैं, हम येलो कर रहे हैं, और एक वाइट जो कि न्यूट्रल के लिए करेंगे। नॉर्मली आपको एक छोटे वायर काट लेना है जो कि इससे इस स्विच से सॉकेट में कनेक्शन होंगे। तो इसको हम कर लेते हैं, छील लेते हैं। मैं कैंची से सिल रहा हूँ, आप कटर से भी छोटे वायर से हमने दे दिए कनेक्शन स्विच से सॉकेट की ओर, जो फेज को सॉकेट में ऑन ऑफ करने के लिए हेल्प करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये जो एल लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है, ये है लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर के लिए कनेक्शन के लिए सिंबल दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें होल कर दिया है जहाँ से कि वायर को बाहर निकल सके अंदर से। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा ही एक होल अंदर के बॉक्स में भी कर देते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो अंदर के बाहर वायर बाहर निकले। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, हम कुछ इस तरीके से कटिंग कर दिए हैं, जिससे कि बॉक्स को बंद करने के बाद भी वायर को आसानी से बाहर निकल सके। सो फ्रेंड्स, हम मेन कनेक्शन के लिए अब इसको वायर को छील देते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। दोनों वायर को छील लेते हैं कुछ इस तरीके टाइप से। ये गलत छिल गया है, चलिए हम दोबारा छिलते हैं। तो हम छील दिए हैं दोनों वायर को, अब इसको हम थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम दोनों वायर को इस तरीके से अंदर से डाल देते हैं। अब हम इस येलो वायर जो है फेज वायर है, इसको हम स्विच में कनेक्शन देंगे और वाइट वायर सॉकेट में डायरेक्ट कनेक्शन देंगे। सो गाइस, हो गया हमारा कनेक्शन रेडी। देख सकते हैं हम इस लाइव वायर को स्विच से डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया, स्विच से होकर लाइव वायर जा रहा है सॉकेट में और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट सॉकेट में दे दिया कनेक्शन। तो गाइस, हम अब इस डब्बे को कर देते हैं बंद, जो कि आसानी से हो जाते हैं, और इसको बंद कर देते हैं। देख सकते हैं अब हम इस बोर्ड को तैयार कर लिए हैं, अब वायर भी आसानी से बाहर निकल गया है, जो अब रेडी हो गया पूरा कनेक्शन एंड फिटिंग। अब इसमें हम सप्लाई देकर चेक करते हैं। सो गाइस, हमारा बोर्ड जो कि है बनकर रेडी तैयार हो गया है। अब इसको हम टेस्टिंग के लिए कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन हम इस सप्लाई वायर को बोर्ड में कनेक्शन करते हैं, बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। हम डायरेक्ट वायर को बोर्ड में कनेक्शन कर दिया, पर ये थोड़ा रिस्की है, डेंजर हो सकता है। आप इसको किसी प्लग के साथ कनेक्ट करिएगा प्लग। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए हमने लिया है एलईडी, और इसको हम प्लग करते हैं, प्लगिंग करते हैं। इसको हम प्लगिंग कर दिए, यहाँ से हम कर देते स्विच ऑन, और यहाँ से भी हम स्विच ऑन करके देखते हैं कि जलता है कि नहीं। तो
गाइस हमने इसको प्लग ऑन कर दिया है जो कि 100% वर्किंग कर रहा है और तैयार हो गया हमारा बोर्ड। ऐसे ही आप लोग अपने मोबाइल के डब्बे को ना फेंक के आप किसी काम में यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें एक स्विच और एक सॉकेट जोड़े हैं, पर आप इसमें और भी एक स्विच और एक सॉकेट ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्किंग कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, एंड इसमें अगर कोई और कुछ ऐड करना हो या फिर आपको कोई आगे कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।